हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की भारत उनके फैंस के लिए किसी ईदी से कम साबित नहीं हुई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत ही ताबड़तोड़ तरीके से की थी, जहां फिल्म ने अपने सातवें दिन 8,30,00,000 कमाए थे। वहीं फिल्म के आठवें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि फिल्म ने अपने आठवें दिन लगभग 6,75,00,000 की कमाई की है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 174,35,00,000 का कारोबार कर लिया है। फिल्म की कमाई देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। और वैसे भी जब जब सलमान और कटरीना बड़े पर्दे पर साथ आते हैं, फैंस के एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं होता है। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो बता दें कि 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में सलमान और कटरीना के अलावा दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर, जैकी श्रॉफ और तबू भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। और फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है। वैसे आपको बता दें कि भारत को आने वाले हफ्ते में भी भरपूर फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते थिएटर्स पर कोई बड़ी फिल्म पर्दे पर नहीं आने वाली है। वैसे आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।